अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। फर्स्ट ब्लॉग में आपको ज़ियारत कराएंगे मटका पीर साहब बाबा की दरगाह की। ये दरगाह प्रगति मैदान के पास पड़ती है। चलो चलते हैं, आपको ज़ियारत कराते हैं। तो गाइस पहुंच चुके हैं मटका पीर बाबा, आपको दिखाते हैं दरगाह। चलिए, जैसे कि आप ये देख रहे हैं मटका पीर बाबा का मेन गेट है। जैसे कि आप गाइस देख रहे हैं, हम अंदर आ चुके हैं। अंदर आने के बाद फूल चादर सिन्नी की दुकान मिलेगी और मटके की आप ले सकते हैं यहाँ आकर, ठीक है गाइस। और गाइस ऊपर एक पेड़ है, उस पेड़ पर मटका चढ़ाया जाता है गाइस, जिसकी मुरादें पूरी होती हैं। तो गाइस ये दरगाह शरीफ है सुप्रीम कोर्ट के पास दिल्ली में, आप आकर यहाँ ज़ियारत कर सकते हैं। यहाँ पास एक मस्जिद भी बनी हुई है, मस्जिद है ये। मटका पीर बोलो, मटका पीर, मटका पीर बोलो, मटका पीर। बिगड़ी को बनाना हो तो बोलो मट। जैसे कि आप ये देख रहे हैं बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड में आपका नाम लिखा है। आपका नाम है हज़रत शेख अबू बकर तूसी हैदरी कलंदरी रहमतुल्लाह अलैह। आपका नाम मटका पीर बाबा भी है। चलो चलते हैं, आपको हम ज़ियारत कराते हैं दरगाह शरीफ की। देखिए काम भी चल रहा है यहाँ मज़ार में, काम भी हो रहा है। चलिए आपको हम ज़ियारत कराते हैं, चलिए ठीक है। जैसे आप पहुंच गए, हम पहुंचने के बाद सबसे पहले ये मज़ार शरीफ है। मज़ार शरीफ का नाम है हजरत शेख रहीमुद्दीन इराकी रज़ियल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप इराक से आए थे, आप इराक से आए थे और आगे मटका पीर साहब का दरगाह शरीफ है, हम चलते हैं वहाँ पास। चलिए ये है मटका पीर साहब का दरगाह शरीफ, देख सकते हैं आप यहाँ पास। और कवाली भी होती हैं, कवाली अभी होंगी, आपको सुनाएंगे हम कवाली भी, ठीक है। चलो चलते हैं, हम आपको ज़ियारत कराते हैं। कपीर दस्तगीर बोलो मटका पीर, बोलो मटका। मटका पीर बोलो, मटका पीर, मटका पीर बोलो। जानकारी लेंगे भाई से। बाबा जान के बारे में कुछ बता सकते हैं? बाबा जान के बारे में, बाबा का नाम है हज़रत शेख अबू बकर तूसी हैदरी कलंदरी उस मटके शाह। शेख अबू बकर आपका असली नाम, तो उस मुल्क के आप रहने वाले हैं। हैदरी कलंदरी आपका सिलसिला खानदान है, इसलिए मटके शाह का भी कहते हैं आपको, क्योंकि यहाँ पे मटके पेश करे जाते हैं मुराद पूरी होने के बाद में, और पहले कर सकते हैं आप अगर आपका मन हो ख्वाहिश हो। माशाल्लाह, तो दोनों सूरतों में मटका पेश करने का तरीका है, सवा किलो गुनावा चना, सवा किलो चीनी, सवा किलो गुड़, सवा किलो दूध, दो चादर, एक हजरत की, रात के खलीफा की, और एक मिट्टी का मटका। ये सब सामान बाबा का तबरुक है, इसलिए पेश करा जाता है। गुड़ और चना आपका तबरुक है, वो लोगों में तकसीम होता है। शरबत आप लोगों को खुद बना के तकसीम करना होता है, इसलिए दूध और चीनी आई जाती है। सामने जो मज़ार है वो आपके खलीफा का मज़ार है मटके शाह बाबा के, तो वो जो है वो हज़रत शेख रहीमुद्दीन इराकी रहमतुल्लाह का मज़ार है, वो इराक से तशरीफ है यहाँ पर, और बाबा की खास खलीफा है। जैसे कि आप ये पेड़ देख रहे हैं, हम यही पेड़ की बात कर रहे थे, जिनकी मुरादें पूरी होती हैं यही पेड़ पर आकर मटका चढ़ाते हैं। बाबा जान के बारे में जानकारी बताइए आप। इनके खलीफा हैं ये, बाबा मटके शाह के खलीफा। अच्छा, और हजरत रहीमुद्दीन इराकी नाम है इनका। अच्छा, और बाबा का नाम है हजरत अबू बकर तूसी हैदरी कलंदरी उर्फ मटके शाह। ओके, कि ये जमुना का टीला था पहले, इस जमुना के टीले पर बाबा बैठते थे,
और अपने पास एक मटका रखते थे, तो एक आदमी डूबने आया पानी के अंदर, जमुना के अंदर डूबने आया। वो कहने लगा, बाबा मैं ला इलाज हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, नहीं ये मटके का पानी पियो, इंशाल्लाह सही हो जाओगे। तो आपने मटके का पानी पिलाया और सही हो गया वो आदमी। जब से इनकी करामात जो है, मटके का नाम रखा गया इनका। राजा, यहाँ एक राजा था पुराने किले के अंदर, उसको पता लगा कि कोई बाबा है जमुना के टीले में बैठे हैं, वहाँ भीड़ लगी हुई है, लोग आ रहे जा रहे हैं, जो भी पानी पीता है वो सही हो जाता है। उसने बाबा को खाना भेजा जी, उसमें लोहे के दाने और मिट्टी के ढेले भेजे। बाबा ने दुआ करी और बाबा समझ गए कि मेरी आज इम्तहान ले रहा है। आपने दुआ करी अल्लाह से, तो वो लोहे के दाने जो थे चने बन गए, और जो मिट्टी के ढेले थे वो गुड़ की भेली बन गई जी। गुड़ की ढेलियाँ बन गई, आपने गुड़ तोड़कर मटके में डाला, वो दूध का शरबत बन गया। उसी दिन से बाबा का प्रसाद और तबरुक जो है, गुड़ जने का और शरबत, आपका दूध का शरबत बनता है मटके के अंदर जी। जब भी किसी की मुराद पूरी होती है तो ये सब सबकल गुड़, सबकल चना, सबकल चीनी, सबकल दूध, दो बुजुर्गों की चादर, एक मटका आके चढ़ता है जी माशाल्लाह, मुराद पूरी होने पर जी। बाबा की करामतें तो बहुत है, मगर आपको मैंने थोड़ा सा सुनाया ही जी। ठीक है, बाबा के पास हर वक्त मटका रहता था, मटके के अंदर पानी रहता था, जो भी पानी पीता था उसको शफा होती थी, जो भी बीमारी होती थी जी। बस शुक्रिया गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इसी तरह की वीडियो आती रहेंगी, देखना आप जरूर। ठीक है।